एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय डाक विभाग में नए एक वैकेंसी जारी की गई है 2022 में। डाक विभाग नई भर्ती 2022, देखिए टोटल नंबर पोस्ट है 98,083, 98,083 पोस्ट है। योग्यता 10वीं और 12वीं के पास जो भी पास आउट छात्र हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन से पोस्ट है, किसके लिए आपको अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी की सारी बात, आपको पेमेंट की स्टेटस क्या होने वाला है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी तरह वैकेंसी जुड़ी हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहां पर है इंडियन पोस्ट ऑफिस नोटिफिकेशन 2022। देखिए ये तीन वैकेंसी के लिए यहां पर निकला हुआ है। पहला है पोस्टमैन के लिए, दूसरा है मेल गार्ड और चौथा तीसरा नंबर हमारा वो एमटीएस के लिए निकला हुआ है। देखिए रिक्रूटमेंट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मतलब भारतीय डाक से संबंधित है। रिक्रूटमेंट का टाइटल इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022। देखिए ये जो पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट है ये नोटिफिकेशन 15 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। और देखिए ये जीडीएस रिक्वायरमेंट के यहां संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है इस वेबसाइट पे। टोटल वैकेंसी देखिए नंबर कितने हैं, 98,083, 98,083 पोस्ट है, जिनमें पोस्ट का नाम मैंने आपको पहले बता दिया, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस, ये तीन संबंधी यहां पोस्ट निकलने वाले। टोटल देखिए इंडियन पोस्ट मेल सर्विस के लिए 59,099 पोस्ट है, इंडियन पोस्ट मेल गार्ड के लिए देखिए 1,445 पोस्ट होने वाले। वहीं पर एमटीएस के रिक्वायरमेंट के लिए देखिए यहां पर आपको पता चल जाएगा 37,539 यहां पर पोस्ट निकलने वाले। देखिए इंडियन पोस्ट टोटल यहां पर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो 98,083 पोस्ट यहां पर जारी किए गए। अब देखिए कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने एजुकेशन चाहिए, कितने कौन से बच्चे अप्लाई करेंगे, कितना सैलरी मिलने वाला आपको, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में, सितंबर 1 तारीख को उम्मीद है, यानी सितंबर 1 से लेकर किसी भी तारीख को आपका जारी कर दिया जाएगा एप्लीकेशन का स्टार्ट। लास्ट डेट अप्लाई करना है सितंबर से खत्म होगा, उस डेट के खत्म होने तक आपको अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन देखिए 10वीं और 12वीं के जो छात्र छात्रा पास आउट हो चुके हैं वो इससे अप्लाई कर सकते हैं। उम्र याद रखिएगा कि उम्र 18 से 32 साल के नौजवान ही इसे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ पोस्ट क्या, मतलब रिक्रूटमेंट किया जा रहा है किसके द्वारा, तो इंडियन पोस्ट गवर्नमेंट .in के द्वारा। अब मैं आपको बताता हूं किस रीजन मतलब किस क्षेत्र में देखिए कितनी वैकेंसीज है, जिस कारण से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए इस बात को हम लोग जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ तीन कैटेगरी है, एक सर्कल है मतलब कौन सा क्षेत्र पड़ने वाला है। इंडियन पोस्ट पोस्टमैन का वैकेंसी है, ये मेल गार्ड का है, ये एमटीएस का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट से कोई अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 22,089 वैकेंसी है, मेल गार्ड पोस्ट के लिए 108 है, वहीं पर एमटीएस के लिए 1,166 यानी 1,166 पोस्ट है। आसाम के लिए देखिए 934 है, यहाँ 73 है और यहाँ पर 747 वैकेंसी एमटीएस के लिए। बिहार के जो भी छात्र छात्रा है वो 1,851 यहाँ पर है, फिर 95 यहाँ मेल गार्ड के लिए और 1956 एमटीएस रिक्वायरमेंट के लिए। छत्तीसगढ़ के भी जो छात्र छात्रा है वहीं 613 वैकेंसीज है, 16 इंडियन मेल गार्ड के लिए और 346 इसके एमटीएस के लिए। दिल्ली के जो छात्र छात्रा है 2,903 है, ठीक है, 20 है यहाँ पर, 2,667 है। गुजरात में देखिए 4,524 है, 74 है, यहाँ 2,530 वैकेंसीज है। अगला है हमारा गुजरात के लिए, गुजरात के लिए यहाँ रिपीट हो चुका है। हरियाणा को देखते हैं हम लोग तो यहाँ हरियाणा का है, नीचे हिमाचल प्रदेश है, इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ जारी किया गया। झारखंड के जो भी छात्र छात्रा मेरे भाई बहन है उनमें देखिए यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 889 है, 14 वैकेंसीज है आपका मेल कार्ड के लिए और 600 वैकेंसी एमटीएस के लिए। अगर मेरा मानिएगा तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई करने में जाइएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है आपका कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर कर्नाटका के लिए बताया हुआ है, फिर नीचे केरल के लिए सबसे ज्यादा देख पा रहे हो, केरल के 2,930 वैकेंसी है। एमपी के लिए भी जारी किया हुआ है। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट महाराष्ट्र के लिए देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 9,884। नॉर्थ ईस्टर्न साइड के लिए देखिए 581 वैकेंसी, उड़ीसा के लिए, पंजाब के लिए, फिर आपका राजस्थान के लिए है, नीचे देख पा रहे तमिलनाडु, तेलंगाना है, सब के सब देखिए सारे के सारे स्टेट का मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि किस स्टेट में देखिए कितने वैकेंसीज खाली। उत्तर प्रदेश में 4,952 वैकेंसियां खाली है, उत्तराखंड में है देखिए, इंडियन पोस्ट वेस्ट बंगाल देखिए 5,231। तो जो भी वेस्ट बंगाल छात्र छात्रा अप्लाई करना चाहते वेस्ट बंगाल रीजन से तो अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस के लिए 3,744 यहाँ पर सीटें खाली है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या चाहिए कि आपको अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, तो फॉर द पोस्ट ऑफ देखिए पोस्टमैन के लिए अगर आप लोग चाहिए तो आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी आप कह सकते हैं कि आप अपने स्टेट बोर्ड से हो सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड से हो सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड से हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए कम से कम, याद रखिएगा कि आप पास आउट होने चाहिए। तो ये जो पोस्टमैन के लिए वैकेंसी है उसमें कम से कम 12वीं के छात्र छात्रा पास आउट होने चाहिए। अब देखिए यहीं पर जो मेल गार्ड के लिए जो छात्र छात्रा अप्लाई करने चाहिए वहां पर लिखा हुआ 10th स्टूडेंट्स विद मिनिमम 45%। देखिए 10वीं तक
पास होने चाहिए, लेकिन मिनिमम हर सब्जेक्ट याद रखिए 45% मार्क्स रहेगा तो आप सेफ जोन में रहिएगा। तो 45% मार्क्स आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट मेल गार्ड रिक्रूटमेंट 2022। वहीं पर देखिए एमटीओएस के रिक्वायरमेंट के लिए आप 10वीं पास आउट भी चलेगा और 45% मार्क्स चाहिए याद रखिएगा। और आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2022 पे क्या करना है, आपको रजिस्टर करना याद रखिएगा। अब देखिए एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट 18 से 32 साल के जो भी नौजवान है भारत में वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन थी जो मैंने आपको समझा दी कि क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फिर एक बार बता देता हूँ यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपका पोस्ट ऑफिस यानी पोस्टल वैकेंसी के लिए 59,999 है। वहीं पर मेलगार्ड सर्विसेज के लिए यानी मेलगार्ड वैकेंसीज के लिए आपका 1445 है। एमटीएस के लिए देखिए 37,539 वैकेंसी खाली है। टोटल नंबर पोस्ट 98,083 यहाँ पर पोस्ट खाली है। तो आप में जो भी विद्यार्थी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अप्लाई भी कैसे करना है वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि सबसे पहले याद रखिए स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 पोस्टमैन मेलगार्ड और एमटीएस के लिए आप लोग करना क्या, कैसे करके आप लोग अप्लाई करिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन इंडियन पोस्ट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन और क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो। देखिए सबसे पहले बता देता हूं आपको कि जब 1 तारीख को खुल जाएगा, फर्स्ट वीक में आने वाला है नोटिफिकेशन, आपका आने वाला लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंडियन पोस्ट या फिर इंडिया पोस्ट डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पे क्या करना, आईडी लॉगिन करना है, पहले गूगल में जाकर सर्च करना है। उसके सेकंडली यू नीड टू क्लिक ऑन द पोस्ट, आपको क्या करना है पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट बटन पे क्या करना है, जो होम पेज में आपको मिलेगा वहां पर क्लिक करना है। जैसे आप देखिए क्लिक करिएगा, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द, उसके बाद आपको क्या करना है इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 पे क्लिक करना है। यहीं से आपका मेन काम देखिए यहां पे स्टार्ट होता है। फर्दर क्लिक ऑन रजिस्टर बटन एंड एंटर योर मोबाइल नंबर, तो देखिए उसके बाद आपको क्या करना है रजिस्टर करना है अपना मोबाइल नंबर। देखिए पहले बता देता हूँ एक मोबाइल नंबर एक ईमेल आईडी हमेशा हमेशा फिक्स कर लीजिए कि आपके पास जब तक जीवन रहेगा आप इसे हमेशा चलाते रहिएगा, ताकि कुछ भी अगर होता है आपके जीवन में, ठीक है कि आपको कोई काम करना रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो उसी पे सारा का सारा ओटीपी आए चाहे नोटिफिकेशन कुछ भी वहां पर आपको मेल में आ जाएगा। तो एक नंबर आपको रजिस्टर करना है और उसी नंबर प्रोसीड करना है। उसके बाद देखिए सबसे ना यू हैव टू फिल इन, देखिए जो जो रिक्वायरमेंट का वहां डाटा बोला जाएगा आपको वहां पर भरने, और क्या क्या चाहिए क्लास 10th और क्लास 12th के मार्कशीट चाहिए, ये कुछ चाहिए एडमिट कार्ड चाहिए, रोल कोड चाहिए, कुछ भी डाटा भरना पड़ेगा। जिस दिन खुल जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करके अप्लाई करना है। देखिए फाइनली सबमिट द एप्लीकेशन और कितना रुपया लगे मैं आपको बता देता हूं, 100 रुपये आपको लगने वाले, पहले बता देता हूं कि 100 रुपये वो भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, तो आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। फाइनली सबमिट द आपको एप्लीकेशन करना है और एप्लीकेशन फी कंफर्म करना है। और देखिए इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं ऑनलाइन इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये लिंक एक्टिवेट होगा 1 तारीख के मतलब सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में और खत्म का वो याद रखिएगा सेप्टेम्बर के लास्ट वीक तक खत्म हो जाएगा। तो लेट नहीं करिएगा, जल्द से जल्द अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट में क्या होता है सर्वर थोड़ा सा डाउन चला जाता है। तो आप में से जो भी विद्यार्थी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं और इस मौका को नहीं छोड़िए मेरे हिसाब से, तो अप्लाई जरूर करिएगा। कैसे अगर अप्लाई करना वो भी मैं बता दूंगा जिस दिन लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिलहाल आपका काम रहा चैनल को सब्सक्राइब करना और इस नोटिफिकेशन में आपको अच्छा समझा दिया, तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में कोई अगर दिक्कत है, कोई कुछ समझने को दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, मैं आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसी तरह नोटिफिकेशन पाने के लिए हर वैकेंसी संबंधित हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।